कि एक्चुअली क्या चल रहा है बीजेपी के भीतर, सरकार के भीतर, लखनऊ में क्या चल रहा है, और ये दिल्ली इस समय बड़ा एपिक सेंटर बना हुआ है क्राइसिस का। देखिए, 4 जून को जब से चुनाव परिणाम आए हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी है, उसके बाद से तो तमाम सारी बातें चलती रहती हैं। लेकिन जब से केशव मौर्य ने कह दिया कि सरकार संगठन से बड़ा है, संगठन सरकार से बड़ा है, तब से ये मामला और तूल पकड़ गया। अपनी सरकार के भ्रष्टाचार पर बोलना, क्या ये आंतरिक लोकतंत्र है और क्या इस तरह की चीजें होती हैं? लेकिन ब्रजेश जी, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी हो गई, विभिन्न दलों के नेता उसमें इतने आ गए कि जब वृक्ष बहुत बड़ा हो जाता है तो उसकी डालियां आपस में टकराने लगती हैं, पत्ते फड़फड़ाने लगते हैं। शायद वही जब जब तेज हवा चल रही है तब तब ऐसी आवाजें आ रही हैं, वही स्थिति बन रही है। लेकिन आज इस बात पर भाजपा को विचार करना होगा कि क्या कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है, क्या कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं और लोग सरकार के अफसरों से नाराज हैं। हालांकि भाजपा की सरकार में अफसरों ने हमेशा मौज मारी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रजेश जी, श्याम प्रकाश ने कहा, न रुपया दिए बिना पहले काम होता था, ना अब होगा और ना आगे होगा। ऊपर से नंद किशोर गुर्जर ने चुनाव में बोला, मोती सिंह ने इसी भ्रष्टाचार पर बोला, फिर रमेश चंद मिश्रा ने इसी बात पर बोला, और आज सुनील भराला ने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ले और इस्तीफा दे, आखिर किसी को तो लेना चाहिए। इतना बीजेपी में कभी किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन एक बात और है सबसे बड़ी, कि केशव मौर्य के बयान से भाजपा में हंगामा मचा है, लखनऊ और दिल्ली के बीच तमाम बातें हो रही हैं जी। दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की ओर से कोई बयान नहीं आया है, वो एकदम बेफिक्र है, सरकारी मीटिंगें कर रहे हैं, राज्यपाल से मिले हैं और उन्होंने सत्र के लिए उनको आमंत्रित किया है। ये जरूर है कि मंत्रिमंडल का विस्तार उत्तर प्रदेश में होना है, संगठन में कोई बदलाव करना चाहती है पार्टी तो उसके लोग तय करें, और आयोगों और निगमों में भी अगर कुछ कार्यकर्ता सेट हो जाए तो उनका भी कुछ दिन बहुर जाए। पिछले 7 साल की सरकार में 5 साल से ज्यादा समय से लगभग ये सब पद खाली चल रहे हैं। ब्रजेश जी, यूपी में जो चीजें चल रही हैं और जो नेता दिल्ली जा रहे हैं और केंद्रीय नेता उनसे आगे बढ़ बढ़ के मिल रहे हैं, अगर ये सब चीजें पटाक्षेप करनी है, अगर कोई गुटबाजी और कोई नाराजगी नहीं है, तो केंद्रीय नेतृत्व या हाईकमान एक बार सामने आकर कह दे कि यूपी में योगी के नेतृत्व में 2027 में यह चुनाव लड़ा जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। किसी एक नेता को आके तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि यह मामला लगातार परेशानी पैदा कर रहा है और बहुत असमंजस भी बना हुआ है। वैसे जुलाई के अंत में ये बात आई है कि प्रधानमंत्री एक बैठक करने जा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम ये बुलाए गए हैं। अभी तारीख का पता नहीं चला है, उसके बाद सरकार हो या संगठन हो या मंत्रिमंडल हो, कहां क्या परिवर्तन होगा। अगर बीजेपी ये मानती है वीरेन जी कि ऑल इज वेल, सब ठीक चल रहा है, तो ये फिर गुटबाजी को प्रश्रय क्यों दिया जा रहा है? और अगर आप कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो फिर उसमें विलंब क्यों? देखिए, ये सब बड़ी पार्टियां हैं, ये सब जलेबी छानती रहती हैं। और मैंने आपको बताया ना, इंदिरा गांधी रात में पेड़ लगाती थी और सवेरे वो पौधा हिला देख लेते रहे कि कहीं जड़ एक मजबूत तो ना हो गई है। तो वैसे है भाजपा भी, वही रोग है, छानते रहो घोंटते रहो। देखिए, योगी की छवि काफी बड़ी हो चुकी है राष्ट्रीय स्तर पर, इसलिए उनके ऊपर सीधे ये कोई आरोप लगाकर हटाने की स्थिति में तत्कालिक तौर पर नहीं है, इस वजह से ये सब चीजें चल रही हैं। देखिए, जो केशव मौर्य ने सवाल किया वो एक पहेली जैसा सवाल है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, ये एक पहेली उन्होंने फेंकी, इसका कोई जवाब नहीं आया।
योगी ने भी एक सवाल किया कि अति विश्वास में हारे, ये किसके लिए इशारा था, इसका भी कोई जवाब नहीं आया। बुझाई चल रही है, बहुत सही बात कही आप। और इस पर जो है कोई चीजें देखिए, जब अशरफ के का हत्या अतीक अहमद वाला कांड हुआ, बुलडोजर चला, तब वो इलाहाबाद में नहीं जीते, हार गए। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की मौत भी हो गई, तब वो हार गए भाजपा वाले। आजम खां के पूरा परिवार जेल चला गया, तब भी रामपुर में हार गए भाजपा वाले। अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बन गया, तब भी भाजपा हार गई। काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। आप ये बताइए, ये आपने नई बात कही, ये ठीक बात कही। ये सारे बुलडोजर, ये सारे मुद्दे अब भाजपा में प्रासंगिक रह गए हैं। अरे बच गया पंतनगर, राजनाथ सिंह का मार्जिन भी लुढ़क गया, 3.75 लाख कोट उनके गायब हो गए। अगर दो चार दिन और चलता बुलडोजर तो राकेश त्रिपाठी तो बड़ी क्राइसिस में आते बेचारे। बहुत सारी चीजें हैं। तो एक साहित्यकार ने लिखा है जी, वैसे मुनव्वर राणा साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका एक शेर है कि कब तक चलता रहेगा घमासान और कब तक न थमेगा ये तूफान। हालांकि उन्होंने आगे लिखा कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, और मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहां, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ग्राउंड जीरो से अपना फीड